मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर इंग्लिश क्लासेस। सागर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे एक सेंट्रल आइडिया के बारे में, जो कि क्लास इलेवेंथ में पोएम नंबर 2 यानी सेकंड पोएम आती है, जिसका नाम है लेबर्नम टॉप। एक पेड़ है जिसका नाम लेबर्नम है और टॉप का मतलब होता है चोटी, यानी उस पेड़ की चोटी के बारे में यहाँ पे जो है राइट किया गया है, जिसको कि कंपोज किया गया है टेड ह्यूज के द्वारा। यानी इस पोएम को किसने कंपोज किया है? टेड ह्यूज। अच्छे से इनका नेम आपको लर्न कर लेना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी सेंट्रल आइडिया को कैसे राइट करना है ये देखते हैं। तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट अ हेडिंग। सबसे पहले तुमको एक राइट करनी है, क्या हेडिंग क्या राइट करना है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कविता का केंद्रीय भाव या कविता का स्थायी भाव। तो अब इसमें हमें सबसे फर्स्ट लाइन क्या राइट करनी है? द पोएम द लेबर्नम टॉप कंपोज्ड बाई टेड ह्यूज। यानी जो पोएम है लेबर्नम टॉप, जो कि कंपोज की गई है टेड ह्यूज के द्वारा, टेल्स अस, ये पोएम हमें बताती है किस चीज़ के बारे में? अबाउट अ बर्ड, यानी एक चिड़िया के बारे में बताती है, विच ऑलवेज सैट ऑन अ ट्री, जो कि हमेशा क्या करती है, आती है और एक पेड़ पर बैठती है। उस चिड़िया के बारे में यहाँ पर जो है कवि ने, जिनका नाम क्या है, टेड ह्यूज, इन्होंने उस चिड़िया के बारे में और लेबर्नम पेड़ की चोटी के बारे में बताया है। क्या बताते हैं? द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, यानी सितंबर महीने के दौरान, जब सितंबर महीना प्रारंभ होता है तो उस समय पर क्या होता है, द लेबर्नम ट्रीज टॉप, यानी लेबर्नम पेड़ की जो टॉप है, जो चोटी है, सीम्स, वो प्रतीत होती है साइलेंट। साइलेंट मतलब होता है शांत, या क्वाइट स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप, ऐसा लगता है ऐसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शांत प्रतीत होती है। यानी लेबर्नम पेड़ की चोटी बिल्कुल शांत कब प्रतीत होती है? तो आपको बताया सितंबर महीने में। एंड द लीव्स ऑफ द ट्री, और जो पेड़ की लीव्स हैं, लीव्स मतलब पत्तियां, जो पेड़ की पत्तियां हैं वो कैसी हो चुकी हैं? बिकेम येलो, यानी पीली हो चुकी हैं। पेड़ की पत्तियां क्या हो चुकी हैं? पीली हो चुकी हैं। इट्स सीड्स हैव फॉलन इनटू द ग्राउंड, और इस पेड़ के जो बीज थे, जो सीड्स थे, वो भी क्या है, फॉलन इनटू द ग्राउंड, यानी वो जमीन पर या मिट्टी पर क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। When the bird, जिस बर्ड का नाम यहाँ बोला गया, चिड़िया का नाम क्या है, गोल्ड फिंच, उस चिड़िया का नाम है। तो when the bird comes to sit there, जब चिड़िया वहाँ बैठने के लिए आती है, कहाँ, उस पेड़ पर या पेड़ की चोटी पर, जिसका नाम क्या है, लेबर्नम, यानी उसकी टॉप पे, यानी चोटी पे बैठने के लिए आती है, तो क्या होता है, द पोएट कंपेयर्स द बर्ड विद अ लिजार्ड। जो पोएट है, कवि है, कौन, टेड ह्यूज, ये क्या करते हैं, कंपेयर्स द बर्ड, यानी उस बर्ड की, यानी उस चिड़िया की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं, विद अ लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, यानी वे उस चिड़िया जिसका नाम गोल्ड फिंच है, उस गोल्ड फिंच चिड़िया की तुलना करते हैं किससे, एक छिपकली से करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज रैपिड, क्योंकि जो छिपकली होती है बहुत ही तेज होती है, उसको आप छू नहीं सकते, बहुत जल्दी इधर उधर भाग जाती है, रैपिड होती है। एंड अलर्ट, और बड़ी सावधान होती है, थोड़ी सी भी आवाज सुनती है तो तुरंत सतर्क होकर के इधर उधर भाग जाती है। तो ऐसे ही वो चिड़िया भी क्या है, बड़ी ही तेज है, बड़ी ही सतर्क है, इसीलिए कवि ने क्या किया है, उस गोल्ड फिंच चिड़िया की तुलना किसे, लिजार्ड से, छिपकली से की है। सी सिट्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वो जो चिड़िया है वो क्या करती है, सिट्स मीन्स बैठती है, कहाँ पे, ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की शाखाओं पर बैठती है। एंड सी मूव्स टुवर्ड्स द थिक एंड ऑफ द ब्रांचेज, यानी शाखाओं का जो थिक एंड है, थिक एंड का मतलब होता है घना वाला, यानी जहाँ पे पत्ते ज्यादा होते हैं, ऐसे एंड पे, ऐसे छोर पे बैठती है, यानी शाखा का वो छोर जहाँ पर बहुत सारे पत्ते होते हैं, उधर की ओर बढ़ती हुई जाती है। इट्स यंग वंस, और इस चिड़िया के जो यंग वंस हैं, यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो स्टार्ट्स चर्पिंग, वो क्या करते हैं, चींची चींची करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। एंड
वाइब्रेटिंग देयर रिंग्स, और वो अपने पंखों को चलाने लगते हैं। चिड़िया के जो बच्चे हैं वो चींची चींची करने लगते हैं। जब भी चिड़िया पेड़ पर वापस आती है तो बच्चे पहले से बैठे होते हैं तो अपनी माँ को देख करके चींची चींची करते हैं और अपने पंखों को चलाने लगते हैं। दे आर एक्साइटेड एंड जॉयफुल, क्योंकि वे अपनी माँ को देख करके बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और जॉयफुल बड़े आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा आनंद आता है जब उनकी माँ वापस आ जाती है उनके लिए भोजन लेकर के। द बर्ड इज इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि ये जो बर्ड है, जो चिड़िया है गोल्डफिंच, ये क्या है, इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि ये अपने परिवार का इंजन है। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, ऐसे एक परिवार को चलाने के लिए जो मुखिया होता है वो क्या होता है, उस परिवार का इंजन ही कहा जा सकता है। एंड व्हेन द बर्ड फ्लू अवे, और जब वो चिड़िया क्या होती है, फ्लू अवे यानी उस पेड़ पर से उड़ जाती है, देन द ट्री बिकेम साइलेंट लाइक बिफोर, और जब चिड़िया वो उड़ जाती है तो फिर से वो पेड़ जो क्या हो जाता है, बिकेम साइलेंट, शांत हो जाता है, लाइक बिफोर पहले की तरह, जैसे पहले शांत होता है वैसे ही जब चिड़िया चली जाती है तो फिर से वो पूरा पेड़ क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है सेंट्रल आइडिया हो गई है पोएम नंबर सेकेंड की, जिसका नाम है द लेबनन टॉप, और इसको कंपोज किया है टेड ह्यूज ने। स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम, सॉरी, आपके एग्जाम में या होम एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।